हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रश्मि। रश्मि की फैमिली किचन में आपका स्वागत है। तो मैं बनाऊंगी वेजिटेबल्स दलिया, जो खाने में बहुत ही टेस्टी होता है और ये बहुत ही हेल्दी होता है। इसे बच्चे बड़े बहुत ही चाव से खाते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। चलो बनाते हैं। तो मैंने क्या क्या इसके लिए सब्जियाँ ले ली हैं तो उसको मैं बताती हूँ। तो मैंने 2 कटे आलू ले लिए हैं और 2 टमाटर ले लिए हैं और 1 बड़ा प्याज कटा हुआ और हरी मिर्च और ले ली है कटी हुई लौकी। तो इन सब्जियों को मैंने ले लिया है। आपको जो सब्जियां पसंद हो, वो सब्जियां अवेलेबल हों घर पर, वो सब्जियां डाल सकते हैं। तो मैंने इन सब्जियों को ले लिया और मैंने ले लिया है 1 कटोरी भुना हुआ दलिया। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने गैस पर कुकर रख के उसको गर्म कर लिया। उसमें डाल दिया सरसों का तेल। तो तेल गर्म हो गया तो मैंने जीरा इसमें ऐड कर दिया। जीरा चटक गया तो मैंने 1 चुटकी हींग डाल दी है। फिर उसके बाद डाल दिया मैंने कटा हुआ प्याज, डाल दी हरी मिर्च और इसको मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद थोड़ा सा इसको हल्का गोल्डन कर लेना है। तो मेरा प्याज गोल्डन हो चुका, मैंने ऐड कर दिए इसमें आलू, लौकी और इसमें ऐड कर देंगे टमाटर और इनको सबको मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे 1/2 मिनट तक। तो मैंने इसको फ्राई कर लिया है। तो अब इसमें ऐड कर देंगे भुना हुआ दलिया और इसको भी मिक्स करेंगे अच्छे से। उसके बाद इसको भी थोड़ी देर लिए भून लिया। अब डाल देंगे मसाले, हल्दी मसाला 1/2 चम्मच, 1/2 चम्मच धनिया मसाला और स्वाद अनुसार नमक स्वाद के अनुसार डाल देंगे और थोड़ा सा चाट मसाला डाल देंगे, जिससे कि टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और इन सारे को अच्छे से मिक्स कर देंगे और थोड़ी देर के लिए फिर से भुनने देंगे। तो इसके बाद ऐड करना है पानी। तो मैंने 1 कटोरी दलिया लिया था तो मैंने 3.5 कटोरी पानी ऐड कर दिया। पहले 3 कटोरी ऐड कर दिया, फिर थोड़ा सा और डाल दिया है। तो आप जिस हिसाब से पतला गाढ़ा दलिया चाहिए उस हिसाब से इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। अब मैंने पानी ऐड कर दिया, इसमें लगा दिया ढक्कन। इसको 2 सीटी आने देंगे मीडियम फ्लेम पर। उसके बाद गैस को कर देंगे कम, 2 मिनट रख के इसकी गैस बंद कर देंगे। तो पहली सीटी आ गई है और इसमें 2री सीटी भी आ गई। तो गैस, तो मैंने कुकर को नीचे उतार लिया है। तो अब चलो खोलते हैं। प्रेशर निकल चुका है तो मैंने खोल कर इसको देखा है तो मेरा परफेक्ट दलिया बनकर रेडी है। देखिए कितना अच्छा बनकर तैयार हुआ है। तो अगर मेरी तरीके से आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर बनाकर ट्राई करना। तो मैंने इसको एक प्लेट में सर्व कर लिया है। तो देखिए कितना बढ़िया बनकर तैयार हुआ है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है और बहुत ही हेल्दी होता है। तो इसको मैंने सर्व कर लिया है तो बनकर रेडी है। रेसिपी पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करना। थैंक यू फ्रेंड्स।